Welcome to ASY cardrive, hashtag knowtoday. Ford ecosport, Honda WRV, Maruti Suzuki Vitara, Brezza और टाटा नेक्सॉन जैसी सब कॉम्पैक्ट SUVs का इस वीडियो में मैं डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूं। एक तरफ मैं इन चारों गाड़ियों के स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन, फीचर्स, सेफ्टी, प्राइसेस एसेट्रा एसेट्रा को कंपेयर करने वाला हूं, जबकि दूसरी तरफ मैं इन चारों गाड़ियों के सेपरेटली पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी ये समझने में कि आपके लिए सबसे बेहतर गाड़ी कौन सी है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस एसयूवी को प्रेफर करना है और किसको इग्नोर करना है। तो चलिए सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इन चारों गाड़ियों के डायमेंशंस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर किसी गाड़ी में कोई पर्टिकुलर चीज बाकी तीन से ज्यादा है तो उसके आगे मैंने स्टार लगाया हुआ है, और उसी तरह से अगर कम है तो उसके आगे मैंने हैशटैग लगाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, WRV की लेंथ सबसे ज्यादा है तो उसके आगे मैंने स्टार लगाया हुआ है, जबकि नेक्सॉन की लेंथ सबसे कम है तो उसके आगे मैंने हैशटैग लगाया हुआ है। केबिन स्पेस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्पेशियस केबिन आपको होंडा WRV में मिल जाता है, जबकि इस सेगमेंट में सबसे कम स्पेस आपको टाटा नेक्सॉन में फील होगी। सबसे कम टर्निंग रेडियस आपको टाटा नेक्सॉन में मिलता है 5.1 मीटर का, जिसकी मदद से आपको गाड़ी पार्क करने में, कम जगह में गाड़ी को मोड़ने मारने में काफी मदद मिल जाती है। जबकि सबसे ज्यादा टर्निंग रेडियस आपको इको स्पोर्ट और WRV में मिलता है 5.3 मीटर का। स्पेशियस केबिन के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा बूट स्पेस भी होंडा WRV में ही मिलती है 363 लीटर्स की, जबकि सबसे कम बूट स्पेस 328 लीटर्स की आपको विटारा ब्रेजा में मिलती है। सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस आपको टाटा नेक्सॉन में मिलती है 209 mm की, जिसकी मदद से नेक्सॉन बाकी तीनों से बेहतर ऑफ रोडिंग कर सकती है, जबकि सबसे कम 188 mm की आपको होंडा WRV में मिलती है। पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो इन चारों गाड़ियों में से सिर्फ विटारा ब्रेजा में आपको पेट्रोल इंजन नहीं मिलता, हालांकि आने वाले दिनों में आपको जरूर मिलने लगेगा। बाकी तीनों के पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो सबसे बेहतर पेट्रोल इंजन आपको इको स्पोर्ट में मिल जाता है। इसमें आपको दो इंजन मिल जाते हैं, 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये दोनों ही इंजन अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करते हैं, और साथ ही में इसके 1 लीटर पेट्रोल इंजन में सबसे ज्यादा माइलेज 18.1 kmpl का क्लेम किया जाता है। टाटा नेक्सॉन में भी आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ही मिलता है, लेकिन होंडा WRV में आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। माइलेज की बात करते हैं तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा माइलेज इको स्पोर्ट के 1 लीटर पेट्रोल इंजन में मिल जाता है 18.1 kmpl का। हालांकि सबसे कम माइलेज भी आपको इको स्पोर्ट में ही क्लेम किया जाता है, इसके पेट्रोल टॉप वेरिएंट टाइटेनियम प्लस में 16.3 kmpl का। उसी तरह से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको सबसे ज्यादा माइलेज नेक्सॉन में मिल जाता है 17 kmpl का, जबकि सबसे कम इको स्पोर्ट में 14.8 kmpl का। डीजल इंजन की बात करते हैं तो इन चारों गाड़ियों में आपको 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे बेहतर और सबसे पावरफुल इंजन आपको टाटा नेक्सॉन में मिलता है, और सबसे लीस्ट पावरफुल इंजन आपको विटारा ब्रेजा में मिलता है 1.3 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन। माइलेज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा माइलेज आपको होंडा WRV में क्लेम किया जाता है 25.5 kmpl का, जबकि सबसे कम टाटा नेक्सॉन में 21.5 kmpl का। अगर आप डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो ऑप्शंस मिलते हैं, विटारा ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन। सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो इन तीनों ही गाड़ियों में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और डुअल एयरबैग्स जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं सभी वेरिएंट्स में। इस स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा बात की जाए तो सबसे ज्यादा सेफ्टी आपको इको स्पोर्ट में मिल जाती है। इसके सिग्नेचर एडिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, टाइटेनियम प्लस और स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल लॉन्च असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके टॉप वेरिएंट टाइटेनियम प्लस और स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जबकि बाकी सभी गाड़ियों में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स ही मिल पाते हैं। वारंटी की बात करता हूं तो सबसे बेहतर वारंटी ऑफर आपको होंडा WRV में मिल जाता है 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स का, जबकि इको स्पोर्ट में आपको 2 इयर्स और अप टू 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, नेक्सॉन में 2 इयर्स और अप टू 75,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलती है, जबकि विटारा ब्रेजा में आपको 2 इयर्स और अप टू
40,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलती है। प्राइसेस की बात करते हैं तो आपको इन चारों में सबसे सस्ती टाटा नेक्सॉन मिल जाती है, जबकि सबसे महंगी फोर्ड इकोस्पोर्ट मिलती है। हालांकि सबसे सस्ता डीजल ऑटोमेटिक इंजन आपको विटारा ब्रेज़ा में मिल जाता है, जबकि सबसे सस्ता पेट्रोल ऑटोमेटिक इंजन आपको टाटा नेक्सॉन में ही मिल पाता है। इस वीडियो में बताए गए प्राइसेस करेंट प्राइसेस हैं एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से, जो कि समय के साथ चेंज हो सकते हैं। चलिए शॉर्ट में इन चारों गाड़ियों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके बगल में आ रही घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता चल सके। सबसे पहले नेक्सॉन के पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्सॉन में आपको काफी अच्छी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी मिल जाती है, चाहे इसकी स्टीयरिंग हो, गियरबॉक्स या फिर क्लच, तीनों ही आपको स्मूथ लगेंगे। इसके अलावा इसके सस्पेंशन और सीट्स आपको काफी अच्छा कंफर्ट लेवल भी प्रोवाइड करते हैं। हाईवेज पर ये आपको काफी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें आपको फुली लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, हार्मन म्यूजिक सिस्टम विद 8 स्पीकर्स, डेस्कटॉप टच स्क्रीन वगैरह वगैरह। 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण आप इससे काफी अच्छी ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको सबसे ज्यादा पावरफुल डीजल इंजन भी मिल जाता है। इस समय इन चारों में से सिर्फ नेक्सॉन ही एक ऐसी गाड़ी है जिसके पेट्रोल और डीजल दोनों में ही आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। इसके अलावा इसके यूजर रिव्यूज की बात करता हूँ तो मोर देन 95% नेक्सॉन ओनर्स अपनी गाड़ी से सेटिस्फाइड हैं। इतना सब होने के बावजूद भी आपको ये गाड़ी बाकी तीनों से सस्ती मिल जाती है, इसलिए टाटा नेक्सॉन एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। वहीं इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं तो इसके क्लच पेडल के आसपास आपको थोड़ी कम स्पेस मिलती है, जिसके कारण आपको नेक्सॉन चलाते समय कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जब आप नेक्सॉन के इंटीरियर को ध्यान से देखेंगे तो आपको फिनिशिंग की कमी नजर आएगी। कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि पूरी नेक्सॉन बन जाने के बाद में कुछ चेंजेस किए गए हैं। टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज पहले से इम्प्रूव जरूर हुई है, लेकिन ज्यादा नहीं, इसलिए हो सकता है कि आपकी सिटी में टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज आपको ज्यादा अच्छी ना मिल पाए। टाटा की गाड़ियों की हिस्ट्री अच्छी ना होने के कारण नेक्सॉन की रीसेल वैल्यू आपको ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जितनी डीजल की है। चलिए अब इको स्पोर्ट के पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इको स्पोर्ट में भी आपको काफी अच्छा कंफर्ट लेवल मिल जाता है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फुली लोडेड फीचर्स के साथ साथ आपको बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके पेट्रोल इंजन में आपको सबसे ज्यादा पावर मिल जाती है और साथ ही में सबसे ज्यादा माइलेज भी। इसके अलावा इको स्पोर्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है। वहीं इसके नेगेटिव्स की बात करते हैं तो फोर्ड की आफ्टर सेल सर्विसेज आपको हर जगह अच्छी नहीं मिल पाती, कुछ जगह अच्छी हैं तो कुछ जगह अच्छी नहीं है। फोर्ड की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू आपको अच्छी नहीं मिल पाती। इको स्पोर्ट के टायर्स के साथ काफी कंप्लेंट्स देखी गई हैं, ये काफी जल्दी डैमेज हो जाते हैं, इनमें बल्जिंग होने लगती है, काफी सारे लोगों को जल्दी ही इन्हें रिप्लेस करवाना पड़ा है। इसके पेट्रोल इंजन में आपको माइलेज तो सबसे ज्यादा क्लेम किया जाता है, लेकिन रियल लाइफ कंडीशंस में ये इंजन आपको ज्यादा अच्छा माइलेज नहीं दे पाता। चलिए विटारा ब्रेज़ा के पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्टीयरिंग और क्लच काफी स्मूथ और लाइट एक्सपीरियंस आपको देती है। इसकी पीछे की सीट पर आपको काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है। इसमें आपको 24.3 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि इस सेगमेंट में सेकंड हाईएस्ट है, और रियल लाइफ कंडीशंस में भी विटारा ब्रेज़ा अच्छा माइलेज निकाल के दे देती है। इसके अलावा मारुति की गाड़ी होने के कारण आपको काफी अच्छा सर्विस नेटवर्क और रीसेल वैल्यू मिल जाती है। वहीं इसके नेगेटिव्स की बात करते हैं तो सेगमेंट में सबसे कम बूट स्पेस आपको इसी में मिलती है, 328 लीटर की। उसी तरह से इन चारों गाड़ियों में आपको लीस्ट पावरफुल डीजल इंजन इसी में मिलता है और पेट्रोल इंजन आपको इसमें मिल ही नहीं पाता। इसका इंजन काफी नॉइजी है, कैबिन के अंदर तक काफी आवाज आती है इसके इंजन की। इसके अलावा इसमें आपको कभी कभी पावर लैग भी फील हो जाता है। चाहे एक्सटीरियर में यूज हुआ मेटल हो या फिर इंटीरियर में यूज हुई प्लास्टिक, आपको बिल्ड क्वालिटी इसमें अच्छी नहीं मिल पाती और इसी वजह से ये गाड़ी जल्दी ही गड्ढों पर बजना शुरू हो जाती है। इसके अलावा विटारा ब्रेज़ा की मेंटेनेंस कॉस्ट नेक्सॉन और इको स्पोर्ट से ज्यादा है। होंडा WRV के पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशियस केबिन और बूट स्पेस आपको इसी में मिलती है। इसके डीजल इंजन में सेगमेंट का सबसे ज्यादा माइलेज 25.5 kmpl का क्लेम किया जाता है और रियल लाइफ कंडीशंस में भी ये गाड़ी काफी अच्छा माइलेज आपको निकाल के दे देती है।
इसके अलावा इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड एक्सपीरियंस आपको देता है, इसकी सीट्स और सस्पेंशन भी आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करती हैं। इन चारों गाड़ियों में आपको सबसे अच्छा वारंटी ऑफर होंडा WRV के साथ ही मिलता है, 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स का। चलिए इसके नेगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेगमेंट में होंडा WRV की मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज्यादा है। इसके पेट्रोल इंजन में आपको पावर लैग मिलता है। सेगमेंट की सबसे कम ग्राउंड क्लीयरेंस 188 mm की आपको इसी में मिलती है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में दी जाने वाली टच स्क्रीन आपको कभी कभी लैगी फील हो सकती है। WRV में आपको वेरिएंट्स के मामले में काफी कम चॉइसेस मिल पाती है। पेट्रोल और डीजल में सिर्फ 3-3 वेरिएंट्स ही देखने को मिल पाते हैं। पेट्रोल हो या फिर डीजल, इसके किसी भी इंजन में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिल पाता। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको कम से कम शब्दों में इन चारों गाड़ियों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल आपको कौन सी गाड़ी खरीदना चाहिए। अगर आप एक पेट्रोल SUV लेना चाहते हैं, चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन में या फिर ऑटोमेटिक में, तो आपको ecosport को प्रेफर करना चाहिए। अगर आप ecosport नहीं लेना चाहते तो आप नेक्सॉन को भी खरीद सकते हैं, लेकिन होंडा WRV के पेट्रोल इंजन को आप इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, विटारा ब्रेज़ा और टाटा नेक्सॉन, जिसमें से आपको नेक्सॉन को प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस गाड़ी को आपको इग्नोर करना चाहिए। विटारा ब्रेज़ा में आपको सबसे कम पावरफुल इंजन मिल पाता है, उसके बाद भी आपको सबसे ज्यादा माइलेज इसमें नहीं मिल पाता। सेगमेंट की सबसे छोटी बूट स्पेस आपको इसी में मिलती है। सेगमेंट में सेकंड हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट आपको इसी में मिलती है। इसके इंटीरियर के लुक्स भी काफी बेसिक हैं, जो कमी लोगों को पसंद आते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इन चारों गाड़ियों में सबसे ज्यादा सेल्स तो विटारा ब्रेज़ा की होती है, तो हम उसे क्यों ना खरीदें। जब विटारा ब्रेज़ा लॉन्च हुई थी तब ना तो ecosport का नया फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था और ना ही मार्केट में टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई थी, इसलिए ब्रेज़ा को इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाने में काफी आसानी हो गई थी। इसके अलावा मारुति टैग होने के कारण इस गाड़ी को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। इसीलिए अगर आप इनमें से किसी गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप इन चारों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि विटारा ब्रेज़ा क्यों इग्नोर करना चाहिए। ब्रेज़ा के अलावा बात करता हूं तो डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में सेगमेंट की बाकी तीनों गाड़ियां काफी अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पर। इन तीनों में से आप किसी भी गाड़ी को खरीद सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी डीपली बात की जाए, अगर आपकी प्रायोरिटीज में टॉप पर माइलेज, स्पेशियस कैबिन, स्पेशियस बूट आ जाता है तो आपको होंडा WRV को प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ecosport का टॉप वेरिएंट या फिर स्पोर्ट्स वेरिएंट को प्रेफर करना चाहिए। और अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है, आप एक वैल्यू फॉर मनी कार लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ टाटा नेक्सॉन को ही प्रेफर करना चाहिए। होंडा WRV आप तभी खरीदें जब किसी कारणवश आप ecosport और नेक्सॉन को नहीं खरीदना चाहते। तो चलिए यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है आपके कंफ्यूजन को खत्म करने की या फिर कम से कम करने की, लेकिन अगर किसी तरह का डाउट फिर भी रह गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।